हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए देखिए इस ब्यूटीफुल कार्डिगन डिज़ाइन की वीडियो लेके आई हूँ। और ये डिज़ाइन हमारा बहुत प्यारा, बहुत सुंदर डिज़ाइन है। इसे आप लेडीज़, जेंट्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। बहुत आसान डिज़ाइन है और देखने में भी देखिए ये कितना सुंदर लगता है। यह सीधी तरफ से इस तरह से और उल्टी तरफ से ऐसे बनेगा। दोनों तरफ से बहुत फिनिशिंग से ये डिज़ाइन हमारा बनकर आता है। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने जो फंदे लेने हैं वो 6-6 के, 6-6 के मल्टीपल से, मतलब कि 6 फंदे ऐसे करते हुए जाना है। कोई भी हमें एक्स्ट्रा फंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 6-6 के मल्टीपल से ही हमने फंदे डालने हैं, 6-6 के मल्टीपल से। और ये सिर्फ 4 रो का हमारा डिज़ाइन है, 4 सिलाइयों का हमारा डिज़ाइन है। तो यहाँ पर देखिए सिलाई में मैंने फंदे डाल लिए हैं, ये 18 फंदे लिए हैं मैंने सिलाई में, ठीक है। 18 फंदे लेने के बाद जो हमारी यहाँ पर फर्स्ट रो वो सीधी तरफ से स्टार्ट होगी, पहले फंदे को हमने उल्टा ही बना लेना है। इस तरह से पहला फंदा उल्टा और धागा दूसरी तरफ करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और ये 4। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे। अब देखिए रिपीट पैटर्न स्टार्टिंग से ही हमने स्टार्ट किया है, 1 फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, ये टोटल हमारे 6 फंदे हो गए। इन्हीं 6 फंदों को हमने फिर से रिपीट करना है। तो कैसे रिपीट करेंगे, देखिए ये 1 फंदा उल्टा, ये बीच में हमारे 2 फंदे उल्टे हो जाएंगे, धागा दूसरी तरफ, 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4। अब धागा अपनी तरफ, अब फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और ये 4। ऐसे ही आपने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है, 2 फंदे उल्टे 4 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे 4 फंदे सीधे। लास्ट में ये आपका 1 फंदा बचेगा जिसे हम उल्टा ही बना लेंगे। ऐसे ही करते हुए ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेंगे। अब सेकंड रो हमारी उल्टी तरफ से देख लीजिए कैसे बनेगी। ये 1 फंदा हम पहले स्टार्टिंग वाला सीधा बना देंगे, अब धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये 4 फंदे हैं हमारे, इन 4 फंदों को 2-2 बार धागा लपेटते हुए हमने उल्टा बनाना है। देखिए ऐसे उल्टा बनाएंगे, सिंपल ऐसे ही हम फंदे को उल्टा बनाते हैं, लेकिन इसमें ऐसे 2 बार धागा लपेट लेंगे सिलाई पर उल्टा। फिर से इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, 1 और ये 2 बार धागा लपेटते हुए। फिर से इस फंदे को उल्टा, देखिए 1, 2 बार धागा लपेटते हुए। फिर से इस फंदे को 1, 2 बार धागा लपेटते हुए। ये 4 फंदे हमने 2-2 बार धागा लपेटते हुए बनाए। अब धागा दूसरी तरफ, यहाँ पर गैप के देखिए ये 2 फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हमने सीधा ही बना लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 4 फंदे 2 बार धागा लपेटेंगे, देखिए 1, 2 उल्टा बना लेंगे, फिर से 1, 2 उल्टा, 1, 2 फिर से उल्टा फंदा बना लिया, फिर से 1, 2 ये 4 फंदे देखिए 2 बार धागा लपेटते हुए हमने उल्टे बनाए। अब धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे ये सीधे, ये 1, ये 2 फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे 2 बार धागा लपेटते हुए ऐसे सिलाई पर, 1 फिर से 2 बार धागा लपेटा, 2 फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे, 3 फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे, 4 अब धागा दूसरी तरफ, लास्ट के फंदे को हम सीधा ही बना देंगे। तो ये हमारी देखिए सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो सीधी तरफ से देखिए कैसे बनानी है हमने। थर्ड रो में फर्स्ट फंदे को पहले हमने उल्टा बना लिया, फर्स्ट फंदे को उल्टा बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब ये 4 फंदे हमने 2-2 बार धागा लपेट कर बनाए थे ना, ये हमने ऐसे खोल लेने हैं 4 फंदे ऐसे। 4 फंदे खोलने के बाद ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़ेंगे, ये पीछे वाले 2 फंदों में इस तरह से आगे से सिलाई डालेंगे, ठीक है। अब इन आगे वाले फंदों को ऐसे पीछे लेके जाएंगे, इन पीछे वाले फंदों को ऐसे आगे ले आएंगे। ये हमने ऐसे फंदों को क्रॉस की तरह कर दिया, देखिए ऐसे।
अब इन चारों फंदों को हमने सीधा ही बना लेना है, एक दो तीन और ये चार। चारों फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, अब फिर से चार फंदे खोलेंगे, एक दो तीन चार। अब ये दो फंदों में ऐसे आगे से सिलाई डालेंगे, इन दो फंदों को ऐसे यहाँ ले आएंगे, इन दो फंदों को यहाँ पर, इन्हें डाला सिलाई में, चारों फंदों को सीधा बना लिया, एक दो तीन चार, इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ एक फंदा खोला, दो तीन चार। अब आगे से इन दो फंदों में सिलाई डाली, आगे वाले दो फंदे ऐसे यहाँ पर ले आए, इस तरह से। अब इन दो फंदों को भी वापस ले गए, अब इन चारों फंदों को हम सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार, और ये लास्ट का फंदा हम उल्टा बना लेंगे। इस तरह से करते हुए हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है, थर्ड रो। अब फोर्थ रो देखिए, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये चार फंदे उल्टे, एक दो तीन और ये चार। फिर धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे, एक दो। फिर धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार। फिर धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार। ये लास्ट के फंदे को सीधा ही बना देंगे। इस तरह से ये फोर्थ रो हमारी कंप्लीट होती है बनकर। इस तरह से देखिए ये डिज़ाइन बनेगा हमारा, बहुत सुंदर डिज़ाइन बनता है। यहाँ पर आगे आगे आपने बनाते जाना है, तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा बनकर आएगा। इन्हीं चार सिलाइयों को आपने रिपीट करते जाना है। अब यहाँ पर देखिए दोबारा से फर्स्ट रो से आपने स्टार्ट कर लेना है, ये फर्स्ट फंदे को उल्टा, फिर ये चार फंदे सीधे, फिर दो उल्टे चार सीधे, दो उल्टे चार सीधे, लास्ट का फंदा उल्टा। फिर उल्टी तरफ से धागा घुमाते हुए और गैप वाले फंदों को जो सीधी तरफ से उल्टे बनाए हैं ना, वो उल्टी तरफ से सीधे ही आएंगे, और इन चार चार फंदों को दो बार धागा लपेटते हुए बनाना है। ऐसे आपने आगे इन्हें रिपीट करते जाना है और इस तरह से डिज़ाइन को बना लेना है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।